चौथी लहर की आशंका के मद्देनजर आगरा का जिला अस्पताल पूरी तरह से तैयार है। पीक्यू वार्ड से लेकर ऑक्सीजन स्टोरेज और सप्लाई जिला अस्पताल प्रशासन ने दुरुस्त बताई है। चीन समेत पश्चिमी देशों में कोरोना का नया सब वेरिएंट BA.2 तेजी के साथ फैल रहा है, जिसके चलते भारत में भी अगस्त तक कोरोना की चौथी लहर की संभावना जताई जा रही है। इन्हीं संभावनाओं के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग भी अपनी पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है। इसी क्रम में जिला अस्पताल में तैयारियों को लेकर जानकारी ली तो अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर CP वर्मा ने बताया कि जिला अस्पताल में सभी तैयारियां बेहतर हैं। ऑक्सीजन से लेकर पीकू वार्ड में सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में मॉक ड्रिल के जरिए अस्पताल की सभी व्यवस्थाओं को भी परखा गया, जिसमें सभी बेहतर पाई गई। तैयारियों का ये है कि कोरोना की लहर को देखते हुए हम लोग वैसे पहले से ही सतर्क हैं, हमने कभी लापरवाही बरती नहीं है, अभी भी सतर्क हैं हम लोग। अभी सभी मास्क लगा रहे हैं, हालांकि केसेस बहुत कम हो गए हैं। और यहाँ जिला चिकित्सालय में हमारा पीकू वार्ड जो है पहले पूरी तरीके से तैयार है, उसकी मॉक ड्रिल भी अभी 28 तारीख को हुई थी। सारी सुविधाओं को जांचा परखा गया था ताकि समय आने पर एकदम कोई शिथिलता ना बरती जाए। ऑक्सीजन प्लांट हमारा काम कर रहा है, रोज़ हम उसे चला रहे हैं और उसको देखभाल कर रहे हैं। दवाइयों की उपलब्धता उस हिसाब से हमने कर रखी है और उसके लिए जो ड्यूटी रोस्टर है टीम का वो भी लगा रखा है। DG महाराजा न्यूज़ के लिए देवेश दीक्षित की रिपोर्ट।